हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है ऋतिक, आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो मैं आज आप लोग के इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस टाइप से आप लोग जो अपने वीवो के YFT3 मेन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक का भी लाभ उठा सकते हैं। काफी बेहतरीन आप लोग यहाँ पे सिक्योरिटी भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि और ज्यादा इंटरेस्ट पड़ेगा आप लोग यहाँ पे फोन चलाने में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड के बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इन बगल में लगे बना बोले इंडिया, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बोले और शेयर करना भी ना बोले। चलिए बात करते टॉपिक की। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को जो है एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है ना। उसके बारे में आप लोग लास्ट में बताऊँ किस टाइप से आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को इसके फीचर्स के बारे में बता दूँ और किस टाइप से इसे यहाँ पे जो है हम फिंगरप्रिंट लॉग एडिट करेंगे, मैं उसके बारे में बताऊँगा। लास्ट में आप लोग को बताऊँ किस टाइप से जो है इसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप के यहाँ पे आप लोग को इंटरफेस नजर आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है अनेबल फिंगरप्रिंट लॉग, इस पर आप लोग क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप लोग अपना पासकोड चूज कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं सिंपल सा कोई भी पासकोड डाल देता हूँ और अनेबल लॉक स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये तीनों ऑप्शन है अनेबल रख सकते हैं और थर्ड वाला ऑप्शन है अनेबल वाइब्रेट का, तो आप लोग इसे ऑन भी रख सकते हैं ऑफ भी रख सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्या है डिसेबल सिस्टम स्क्रीन लॉक। इसमें क्या होगा कि आप लोग ने कहीं फोन में जो भी डिफॉल्ट वाला लॉक है वो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद चेंज पासकोड भी कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट लॉक भी आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर भी लगा सकते हैं आप लोग फिंगरप्रिंट लॉक में। और स्टाइल में आप लोग को जो है कुछ बेसिक सेटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। थ्री डॉट्स पर भी आप लोग कुछ बेसिक सेटिंग देखने को मिल जाएगी। आप लोग इन ऑप्शन को जो है अनेबल कर लीजिएगा और आप लोग प्राइवेसी परमिशन यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद मैं देख लेते कि हमारा फिंगरप्रिंट लॉक है किस टाइप से वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं करता हूँ फोन को, तो जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे हमारा फिंगरप्रिंट लॉक आ चुका है। जैसे यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूँ यहाँ पे गलत फिंगरप्रिंट लॉक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा रेड का आइकॉन आ रहा है, मतलब है कि हमारा गलत फिंगरप्रिंट लॉक से नहीं खुलेगा। मतलब अभी जो है मैं यहाँ पे अपना सही वाला फिंगर डालता हूँ तो फिर बहुत कम सेकंड लगता है, एकदम एक सेकंड भी लगता मुश्किल से, इतने फास्ट ये खुल जाता है एकदम से, बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेता है और बहुत फास्ट जो यहाँ पे खुल जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप लोग जी अपने वीवो के YFT3 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक के बिलाव उठा सकते हैं। एंड आप लोग यार इसको एप्लीकेशन डाउनलोड करना तो आप लोग को वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उम्मीद करना दोस्तों आप लोग अगर वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जो भी वीडियो कमेंट करना बोले मैं उस वीडियो बना के आपकी डाउट क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। जय माता दी।